हेलो, पितृपक्ष शुरू हो गए हैं 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक। जो है वो पितृपक्ष रहने वाले। पितृपक्ष का मतलब क्या होता है कि पितरों को समर्पित है, पितरों को याद करिए, उन्हें जल दीजिए और उनकी आत्मा को शांति मिले, वो आपसे प्रसन्न हो जाए, आपको और ज़्यादा आशीर्वाद दे, वो एक रिचुअल होता है। 21 सितंबर से 6 अक्टूबर तक है। 6 अक्टूबर को श्राद्ध अमावस्या है। क्या करना होता है कि जिससे आपके पितर आपसे खुश हो जाए? आपको सिर्फ छोटा सा एक उपाय करना है। आपको जल लेना है, उसमें काले तिल डालने हैं और दोपहर में 12 से 2 के बीच में करना। नीचे एक पौधा रख लीजिए ताकि वो जल उसमें ही जाए। जल उन्हें समर्पित करते करते बोलना है कि जो भी आपके पिताजी का नाम है, दादाजी का नाम है, उनका नाम लेते हुए कि आप आइए, हम आपको याद कर रहे हैं, हम आपको जल तर्प जो भी है जल से आपका तर्पण कर रहे हैं, आप आइए जल ग्रहण कीजिए, हमारे को आशीर्वाद दीजिए, हमारा वंश हमारा ऐश्वर्य हमेशा बना रहे, क्योंकि ये चीज़ें आपसे बनी है और आपके आशीर्वाद से सदैव बनी रहे, कोई भी मुसीबत नहीं आए, सदैव आप हमारी रक्षा करते रहें। जब आप ऐसे वर्ड बोलते हैं, उन्हें जल से तर्पण करते हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं और जल ग्रहण करके आपको बहुत आशीर्वाद देके जाते हैं। अगर आप अपनी बॉडी से प्यार करते हैं, अपने जीन से प्यार करते हैं, अपने सेल से प्यार करते हैं, तो आप अपने माता पिता से जरूर प्यार करेंगे, क्योंकि हमारा शरीर उन्हीं से ही बना हुआ है। तो अगर आप आपके माता पिता, अपने दादाजी परदादाजी को याद करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो भी आ जन्मा हुआ कोई बच्चा है, जिसकी डेथ हो गई है, मिसकैरेज हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम, आप उनको भी जो है वो जल दे सकते। 15 दिन है वो, अलग अलग दिन अलग अलग तिथियाँ अलग अलग लोगों को समर्पित है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप श्राद्ध अमावस्या पर उनके नाम से जल तर्पण कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। छोटा सा उपाय है, जरूर करिए।